बिहार राज्य में शराबबंदी को होम्योपैथ से जोड़ देने की वजह से सरकार के इस तुगलकी फरमान के कारण पूरी होम्योपैथिक जगत आज परेशान है। खास तौर पर होम्योपैथिक दवा जो से 3 गुना महंगी हो गई है, जिससे डॉक्टर सहित मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि होम्योपैथिक जो है वह मीठे अल्कोहल से ही बनती है। इसका बेसिक जो है वह दवा अल्कोहल से ही तैयार होती है, इसलिए शराबबंदी का इस पर तो लागू होना भी नहीं चाहिए। शराबबंदी से इसको जोड़ देने का नतीजा यह हो रहा है कि जो दवा 400 ml आती थी जितने रुपए में, उतना ही रुपए में अब 100 ml की आ रही है, जिसके चलते पेशेंट को महंगा पड़ रहा है। पेशेंट को जब महंगा पड़ रहा है तो जो पेशेंट का विश्वास था खास के देहाती एरिया में कि होम्योपैथिक दवा कम पैसे में अच्छा इलाज हो जाती है, वह लोगों का पैसा के चलते विश्वास टूट रहा है। पैसा के चलते है इलाज कराने में लोग कमी कर रहे हैं। होम्योपैथिक दवा आप यूज़ करते हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ यूज़ करते हैं। अभी जो दवा का रेट बढ़ा है तो क्या पहले की तरह ही आपको दवा उसी रेट पे मिलती है या दवा बढ़ा करके मिलती है? दवा का रेट 2.5 गुना से 3 गुना वृद्धि दर पर मिलती है, बढ़ा कर दी जाती है। तो इससे आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दवाएं हमको 100 रुपया में मिलती थी वो 300 रुपया में जब मिलेगी तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत चमराएगी, और जो जिससे हम यह सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, जिसके कारण क्या परेशानियां कठिनाइयां अधिकतर होगा, जितना हमको दवा चाहिए उस स्थिति उसकी भरपाई नहीं हो पा सकते, जिसके कारण हमारे ज़िंदगी में अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हम और हमारा समाज ये मांग करता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग सचिव के मोबाइल नंबर 0612-2215-89 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि ये समस्या का समाधान हो और शराबबंदी को इस कानून से जो होम्योपैथ से जोड़ा गया है इस कानून से शराबबंदी को हटा लिया जाए, ताकि फिर से 450 ml की बोतलें आनी शुरू हो जाए जिससे दवा सस्ती हो। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम करपी, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।